देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तस्वीरें हम आपको वसंत कुंज की दिखा रहे हैं कि वसंत कुंज में RWA के द्वारा यहां पर झंडा फहराया गया और एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई दी गई। साथ ही यहां पर आपको बता दें पूर्व सैनिकों को भी यहां पर सम्मानित किया गया। तस्वीरें हम आपको वसंत कुंज की दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर झंडा फहराने के बाद जो राष्ट्रगान है उसमें सभी लोग एकजुट होकर राष्ट्रगान गा रहे हैं। आप सबका स्वागत और आप सबको और हमें सबको रिपब्लिक डे की शुभेच्छाएं। आज का कार्यक्रम झंडा वंदन समाप्त होने के बाद आज एक खास कार्यक्रम RWA ने अरेंज किया है जो आप सभी जानते हैं। हमारे D7 के रहवासी जो देश के लिए जिन्होंने काम किया है उन सब के लिए really happy and it's a pleasure to invite them and even to felicitate them. So a big loud of applause for all of them, all our residents. We have a small gift thanks to RWA members, especially homemade baked by our dear Pooja and all the cards also prepared by Pooja. And after this felicitation, we'll you and family. So we'll start the felicitation. मेरा नाम ब्रिगेडियर एजय सिंह, रिटायर्ड। सर, देश की सेवा आपने सालों की, आज जहां आप रह रहे हैं वहां के RWA ने, वहां के लोगों ने आपको सम्मानित किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली बार 33 इयर्स सर्विस के बाद आई एम टच्ड दैट द रेजिडेंट्स हैव ऑल गॉट टुगेदर एंड थॉट ऑफ अस। सो इट्स अ प्राउड फीलिंग, इट्स अ गुड फीलिंग। जो जोश उस समय आपके जवानी के टाइम पे था जो आप देश की सेवा कर रहे थे, आज सम्मानित होने के बाद फिर वो जोश कायम? जोश तो शुरू से ही कायम है जी, और कायम रहेगा जी जी। RWA के लिए क्या कहेंगे, जिस तरीके से इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए जो हो रहे हैं? बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि सेवा तो सभी अपने अपनी तरफ से सब अलग अलग तरीके से करते हैं, तो इसी तरह बाकियों को भी सम्मानित, सबको सम्मानित करना चाहिए। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, सब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सेवा करते हैं देश की तरफ। मैं मीनाक्षी, RWA प्रेसिडेंट B7। आज का आप सब लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने अपने पॉकेट में अपने सारे डिफेंस पर्सनल को फेलिसिटेट किया हुआ है जिन्होंने हमारे देश के लिए सबका अपना ज़िंदगी दी है, अपना काम दिया है, अपना टाइम दिया हुआ है। सो आज हमने उनको ऑनर किया है, हमारे RWA और हमारे रेसिडेंट्स, हम लोगों ने आज छोटा सा प्रोग्राम किया है अपने सेक्टर में। सो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कर्नल रजनीश कुमार, मैंने भारतीय सेना में 34 साल सेवा करी है, उसके बाद मैं B7 में अपना निवास करता हूं और आज B7 RWA ने जो हम डिफेंस पर्सनल्स की सम्मानित किया है उसके लिए मैं RWA B7 को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि ये जो इन्होंने कार्यक्रम किया है, इस तरह का कार्यक्रम, सम्मान का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। इसके लिए मैं B7 RWA की तहे दिल से प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद।